मोहित आप बताइए, पांचों की गिरफ्तारी के बाद अभी और क्या डिटेल इनके बारे में सामने आ रही है? करुणा, इनके बारे में साफ जानकारी ये मिली है कि इनका खालिस्तानी एंगल था, खालिस्तानी कनेक्शन था इनका, और ये बात अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कंफर्म की है। और इनके बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को जब सुबह कल देर रात एक इनपुट मिला था, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने शकरपुर थाने के पास यह ट्रैप लगाया था। शकरपुर थाने से चंद कदमों की दूरी पर यह ट्रैप लगा रखा था और एक गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को फॉलो कर रही थी। और जब सुबह तड़के इनकी गाड़ी वहां पहुंची है तो इनको रोकने के लिए पहले कोशिश की गई है, लेकिन इन्होंने पुलिस का ट्रैप देखकर पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। उसके बाद वहां पर एनकाउंटर हुआ, उसके बाद इन पांचों आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके इनको दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लोधी रोड स्थित ऑफिस लाया गया है। यहां पे लगातार इनसे पूछताछ हो रही है। इनकी गाड़ी से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पुलिस को बरामद हुए हैं, उन दस्तावेजों की लगातार इसमें छानबीन की जा रही है। और कुछ देर बाद इनकी जो स्पेशल सेल की जो कोर्ट है वहां पे इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको पेश किया जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने साफ कर दिया कि इनका खालिस्तानी एंगल था और ISI इनको दिल्ली के अंदर बैकअप कर रहा था। अब इनसे लगातार जानकारी ली जा रही है कि इनके पास ऐसे कौन से इनपुट है और कौन सी ये साजिश को अंजाम देने की दिल्ली के अंदर कोशिश कर रहे थे, उस बारे में जानकारी ली जा रही है। हालांकि इनके बारे में ये भी जानकारी मिली है कि इन्होंने एक बलविंदर सिंह जो शौर्य चक्र विजेता थे उनकी भी हत्या पंजाब में की थी। ये बलविंदर सिंह वही थे जिन्होंने 1990 के दशक से लेकर 2000 तक पंजाब के अंदर जो आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई थी, उनकी हत्या में ये शामिल थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस लगातार इनसे छानबीन कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके दिल्ली और दिल्ली NCR में क्या मंसूबे थे, किस आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए। फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व SCP है वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद भूषण जी, कितना बड़ा खतरा था जिसे दिल्ली पुलिस ने आज टाला है? ये बड़ी तादाद में कश्मीरी माइग्रेंट दिल्ली में आते हैं, जहां मोहित ओम आपके संवाददाता खड़े हुए हैं। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर शास्त्री पार्क के एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा कैंप सरकार लगाती है, जो नवंबर से मार्च तक वहां पर शरणार्थी आकर रुकते हैं। सरकार उनके टेक केयर करती है, उनका खाना पीना बिजली सारी सुविधाएं देती है। तो उसकी आड़ में बहुत सारे टेररिस्ट इस तरह से पनाह और शरण लेते रहे, इस तरह के इनपुट आते रहे। और जो आज दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली है, ये शकरपुर का एरिया एक मिक्स पॉपुलेशन वाला एरिया है, उसके आगे सीलमपुर वेलकम जहाँ मुस्लिम और हिंदू आबादी है, तो इस तरह की संभावना हमेशा बनी रहती है। खास तौर से जब 26 जनवरी या नया साल का टाइम होता है तो टेररिस्ट की कोशिश होती है इस तरह से बड़े वारदात को अंजाम दिया जाए, जिस तक पूरे दुनिया के अंदर एक मैसेज दिया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर हमने टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, जो पांचों टेररिस्ट को अरेस्ट किया है। इनकी इन्वेस्टिगेशन से और बहुत सारी चीजों का पता लगेगा, ISI से इनके क्या लिंक से, ड्रग्स से कैसा पैसा ट्रांजिट होता था, क्या कहाँ पर ये पैसा लेते थे देते थे, किस तरह से इन एक्टिविटीज को सरंजाम दिया जाता, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पता जल्दी लगेगा, सारी चीजें खुलकर आएंगी, सामने आएंगी। और ये जो कश्मीर से अनंतनाग, बारामूला, सोपोर, बड़गाम, जो बिल्कुल टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरिया है, वहां से जो माइग्रेंट्स इन दिनों आते हैं वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी खुलकर आएंगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।